इधर गंभीर ने दुबई टीम इंडिया की लुटिया उधर खड़ी कर दी रोहित ने लाडलो की खटिया कर दिया। ऐसा हाल देखकर घबरा गए कोहली, निकाली जमकर खिलाड़ियों पर भड़ास। फिर नहीं चला मैदान में गंभीर के लाडलो का बल्ला, कट गया क्रिकेट जगत में जबरदस्त हल्ला। गुस्से में आए जयशाह ने कह दी ऐसी बात, खौल उठा रोहित कोहली का खून। जो कभी नहीं हुआ वो श्रीलंका के मैदान में हो गया। रोहित की विराट पारी भी नहीं आई जीत के काम, श्रीलंका के वानरस ने कर दिया सबका काम तमाम, रच डाला सबसे बड़ा इतिहास। गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया को 18 साल बाद ऐसा जख्म मिला जिसने रोहित कोहली को परेशान कर डाला। जय शाह ने सोचा भी नहीं होगा हार के बाद रोहित का भयानक गुस्सा युवा खिलाड़ियों पर फूटा जिसने क्रिकेट जगत का पारा चढ़ा दिया। पहले रोहित ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया, फिर बल्लेबाजी में ऐतिहासिक पारी खेलकर श्रीलंका के परखच्चे उड़ाए, लेकिन रोहित की यह विराट पारी जीत के काम ना सके क्योंकि गंभीर के चहेतों ने न सिर्फ रोहित की उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि ऐसा कांड किया जिसके बाद रोहित कोहली का खून खौल उठा। वहीं गंभीर का एक्सपेरिमेंट फेल होने पर ढेरों सवालों की झड़ी लग गई जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बल्लेबाजों के घटिया खेल से टीम इंडिया की विदेशी धरती पर नाक कटी। लंका के इकलौते खिलाड़ी ने 6 विकेट चटकाकर रोहित कोहली के सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। दरअसल श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर के खेल में 240 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में टीम इंडिया 208 रन बनाकर ही सिमट गई। श्रीलंका के लिए इस मैच में जेफ्री वानरसे ने 6 विकेट अपने नाम किए। जेफ्री वानरसे के आगे टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सका। आपको बता दें इस मैच में भी रोहित ने विस्फोटक पारी खेली और गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी की। कप्तान रोहित ने इस मैच में 44 गेंदों में 64 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस बल्लेबाजी में रोहित ने 5 चौके और 4 छक्के भी लगाए। वहीं शुभमन गिल ने 35 रनों का योगदान दिया था। रोहित और शुभमन के बाद सिर्फ अक्षर पटेल ही एक ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने भारत के लिए कुछ समय के लिए उम्मीद को बरकरार रखा। इसके अलावा और कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर नहीं टिक पाया। अक्षर पटेल ने 44 रनों का योगदान दिया, बाकी सब फिसड्डी साबित हुए। जिन खिलाड़ियों को खिलाने के लिए गंभीर ने जोर दिया था उनका खेल तो ऐसा निराशाजनक रहा जिसके बाद रोहित भी काफी परेशान हो गए। इस मैच में भी टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी दिखा। न शिवम दुबे का कमाल दिखा, न श्रेयस अय्यर कुछ जादू बिखेर सके और न ही वॉशिंगटन सुंदर मैच को जीत की दहलीज तक पहुंचा सके। खिलाड़ियों की खराब बल्लेबाजी के चलते टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में श्रीलंका की जीत में सबसे बड़ा रोल रहा जेफ्री वानरसे का, जिनकी फिरकी के आगे भारतीय बल्लेबाज नाचते दिखे। 34 साल के लेग स्पिनर जेफ्री वानरसे भारत और जीत के बीच में दीवार की तरह खड़े हो गए और एक के बाद एक करके ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया को बिखेर कर रख दिया। इतना ही खुद रोहित ने भी जेफ्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के जीत के हीरो रहे जेफ्री वानरसे जिन्होंने 6 विकेट लिए। रोहित ने आगे कहा, मैंने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसके कारण मैं 65 रन बना पाया। जब मैं इस तरह से बल्लेबाजी करता हूं तो बहुत सारे जोखिम उठाए जाते हैं। यदि आप लाइन पार नहीं करते तो आप हमेशा निराश महसूस करते हैं। मैं अपने इरादे से समझौता नहीं करना चाहता। वहीं रोहित ने अपनी टीम के बल्लेबाजी को लेकर कहा कि जब आप कोई मैच हार जाते हैं तो हर चीज दुख देती है। ये सिर्फ उन 10 ओवरों के बारे में नहीं है, आपको लगातार क्रिकेट खेलना होता है और हम आज ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे, थोड़ा डिसअपॉइंट। रोहित के इस बयान ने जय शाह को भी टेंशन में डाल दिया। माना जा रहा है कि अब रोहित अगले मैच में कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।